उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला अधिवक्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा। दरअसल बरेली में कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास पड़ी पार्किंग स्टैंड वाली जगह पर महिला अधिवक्ता ने शनिवार को टीन का खोका रख लिया। इसकी शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट ने इसकी सूचना नगर निगम को दी गई और नगर निगम अपनी कार्यवाही करने के लिए अतिक्रमण टीम के साथ पहुंची, जहां नगर निगम के अधिकारियों ने महिला अधिवक्ता से काफी नोकझोंक होने के बाद महिला अधिवक्ता प्रेरणा को चैम्बर हटाने को समय भी दिया गया। इसके बावजूद भी कई घंटों तक टाल मटोल चलता रहा। मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस घंटों माथा पच्ची चलती रही, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने तीखे तेवर दिखाते हुए चैम्बर पर बुलडोजर चलवा दिया। उसके बाद कार्यवाही से नाराज महिला अधिवक्ता ने जमकर हंगामा काटा। महिला अधिवक्ता प्रेरणा का आरोप है कि अपर नगर आयुक्त ने चैम्बर लगाने को लेकर रुपए की मांग की थी, जो वह नहीं दे पाई, इसी वजह से उसका चैम्बर हटा दिया गया, जिसके समर्थन में बरेली बार काउंसिल के अधिवक्ता आने शुरू हो गए। मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। मेरा चैम्बर यहाँ था, यहाँ पे नगर निगम की जगह 12 मीटर है, सिर्फ बकाया हमारी है और वहाँ लिखा है नगर निगम के एडवोकेट का चैम्बर है, एडवोकेट चैम्बर लिखा है। तो आप अपने क्यों मानचित्र से फिर रहे हैं? जब मैं 10 लाख रुपए नहीं दे पाई, आपने मुझसे कहा वहाँ चैम्बर की जगह देख कर आई है, मैं वहाँ चैम्बर की जगह देखने की, इन लोगों ने मेरे पेट घूमते मेरा चैम्बर तोड़ दिया। आपसे 10 लाख रुपए की जो डिमांड करी वो किसने करी? वो मेरे से यहाँ के अपर नगर आयुक्त ने। क्या नाम है उनका? मुझे नाम क्लियर नहीं पता, मेरे से कॉल पे किसी से बात करवाई थी, 10 लाख रुपए मांगे, एक ही रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैडम आप सीधा सीधा एलिगेशन लगा रही हैं। हाँ बिल्कुल, 10 लाख रुपए ना देने पर चैम्बर तोड़ दिया गया, नहीं तो सुबह से क्यों नहीं तोड़ा? मेरे सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? मेरे सामने क्यों नहीं तोड़ पाए आप? क्यों नहीं तोड़ पाए मेरे सामने? आप इस रीजन से शाम तक टिके रहे कि अब हमें पैसे मिल जाएंगे, जब पैसे ना आपको लगा पैसे नहीं मिल सकते, लड़की ये क्या करेगी? हमारे सब साथियों को बाहर के सचिव को छोड़ के हमने वहां भेज दिया कि लड़की को गुमराह करो, जाकर इन लोगों को भी गुमराह किया, मुझे भी गुमराह किया, उठा के चैम्बर तोड़ दिया। नगर निगम ने जो चैम्बर तोड़ा है, इसके अगेंस्ट आपका अगला कदम क्या होगा? कल डिसाइड करेंगे, हमारी बार डिसाइड करेगी, जो बार एक बाकी मैं यहीं बैठूंगी, मैं अपने चैम्बर पे बैठूंगी, जो मेरा चैम्बर है, ये मेरा चैम्बर था, मेरा चैम्बर है, मैं इसको फिर से बना के खड़ा करूंगी। वकील को कोई नहीं तोड़ सकता है, हम कानून के ज्ञाता हैं, आप हमसे कानून से बात करो। मेरे पास कोई नोटिस नहीं, कोई लीगल पेपर नहीं, मुझे एक भी पेपर नहीं दिखाया, यहाँ नाम यहाँ मौजूद किसी को एक भी पेपर दिखाया गया है? यहाँ मतलब मौजूद है, इनसे पूछे, सुबह से मेरे संग ये लोग हैं, एक भी लीगल पेपर कुछ नहीं दिखाया गया। ऐसी लाकर बोल रहे 10 लाख की डिमांड की गई, डिमांड पूरी ना करने पर इन लोगों ने चैम्बर तोड़ दिया, मेरे पेट घूमते ही मेरे सामने तोड़ते बात थी जी, मुझे गुमराह किया गया, मुझसे बोले आप उधर जाके दूसरा चैम्बर देख लो। जैसे ही मैं बाइक पे बैठ के उधर गई भैया के संग, हमारे पूरे बार के लोगों को भेज दिया, आप जाके समझाइए, और आपने पीठ पीछे आके चैम्बर तोड़ दिया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब मुझसे कहते हैं फोन पर, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप नगर निगम से बात करिए, और मेरे पीछे आके मेरा चैम्बर तोड़ दिया। साहब आपको कौन सा इंटरेस्ट है मुझे ये तो बता दीजिए। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के संग ये बर्ताव किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है उनके लोगों के साथ मिलकर, उन्हें भी गुमराह किया जा रहा है। अब बाहर के सचिव को गुमराह कर रहे हैं, भैया कोषाध्यक्ष को गुमराह कर रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं आप, इतने वीआईपी हो गए, बाहर की वैल्यू कोई नहीं है, वकीलों की कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप लोग तो मैम बात कर रहे थे, उसके बावजूद भी हमें गुमराह किया गया ना, हमसे बोले आप वहां जाकर चैम्बर देख लीजिए, हम उधर गए, यहाँ आकर चैम्बर तोड़ दिया हमारा, हमें तो गुमराह किया गया है ना। हमसे निगोशिएशन चल रहा था कि भाई हो जाएगा हम करवा देंगे, मैंने सिर्फ ये कहा मुझे 24 घंटे दीजिए पेपर दिखाने को, इन्होंने मुझे 24 घंटे नहीं दिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।